नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहाज श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से 100 सेमी ऊपर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। वही इस बाढ़ से मल्हीपुर इलाके से जिला मुख्यालय भिनगा को जोड़ने वाला मधवापुर के पास एक सड़क कटकर बह गया है, जिससे जमुनहा तहसील और जिला मुख्यालय संपर्क मार्ग का आवागमन बाधित हो गया है, जिससे लोगों को तमाम सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कल शाम से ही नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से राप्ती का जलस्तर 127.700 मीटर, जो कि हमारा डेंजर लेवल है, उससे ऊपर बह रहा था और 128.600 मीटर लगभग टच कर गया था। आज हालांकि कम होकर जलस्तर 128 मीटर तक आया है, लेकिन अभी भी ये डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है। हमारे यहाँ जो हमारा मुख्य मार्ग है भिनगा से भंगाहा और मल्लीपुर जाने के लिए, उस रास्ते में PWD की सड़क पे और एक छोटी पुलिया पड़ती है, उस पे कटान भी हुआ है। उसके कुछ आगे पिछले वर्ष भी कटान हुआ था, जहाँ रिपेयर का कार्य किया जा रहा है। वही अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहाँ दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ अपनी पत्नी भाग गई। बेवफा पत्नी के गम में डूबे पति ने बेटे के साथ रामगंगा नदी में छलांग लगा दी है। बताया जा रहा है कि पत्नी के गम में बेटे के साथ पुल पर खड़े होकर पति ने पहले फोन पर पत्नी से बातचीत की, फिर नदी में छलांग लगा दी। वही NDRF की टीमें ढूंढने में लगी हुई है। मौके पर SDM सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यहां से अपने एक बच्चे को लेकर पुल से नीचे कूद गया है, क्या उसकी तलाश किस तरीके से जारी की जा रही है? आज अरुण कुमार नामक का व्यक्ति अपने 2 साल के बच्चे के साथ और उसके साथ एक 7 साल की बिटिया थी, आया यहाँ पे और कुछ अपनी पत्नी से विवाद था, उनसे बात किया और अपने छोटे बच्चे के साथ नदी में कूद गया है। उसकी जो है तलाश की जा रही है। हमारे SC फ्लड वाली और गोताखोर को लगाया गया, हम लोग तलाश कर रहे हैं। वही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां पिता और बेटे ने बेरहमी से पीटकर अपनी ही बहन और बेटी की हत्या कर दी है। दरअसल उस लड़की का नाम प्रीति था, जिसके ऊपर गांव के एक व्यक्ति ने चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद बाप और भाई ने प्रीति की हत्या कर दी। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाप और भाई को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये दिनांक 2 जुलाई 2023 को थाना गुगली अंतर्गत पोखरमिंडा ग्राम क्षेत्र में संजय नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के गायब होने के संबंध में 363 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह अभियोग उन्होंने 3 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया था, हरेंद्र मिस और उनके 2 लड़कों के विरुद्ध। इसमें इन्होंने जो चीज़ें बताई थी कि इनके द्वारा ये उनकी पुत्री को गायब किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जब विवेचना स्टार्ट हुई तो फिर इसमें जांच के दौरान ये चीजें निकल कर आई। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भारी बारिश के चलते खतरे की जद में आई मनसा देवी पहाड़ी के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी का भ्रमण कर जगह जगह से दरक रही पहाड़ी का निरीक्षण किया। इस मौके पर टीम ने आला अधिकारियों से बातचीत भी की। अधिकारियों ने टीम को बताया कि इस बार बारिश में मनसा देवी पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है, यहां के आबादी क्षेत्र खतरे की जद में आ गई है। वही बनाए जा रहे नए मकानों से भी क्षेत्र में खतरा बढ़ सकता है। यही नहीं, मनसा देवी पहाड़ी के नीचे से गुजर रही रेलवे की 2 सुरंगें भी खतरे की जद में है। अचानक पहाड़ी से गिरा मलबा रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। टीम ने बताया कि इस बार हुई भारी बारिश के बाद भी ऐसी स्थिति बन पाई है और निकट भविष्य में अगर पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये आबादी वाले क्षेत्रों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अभी तो हम सबसे पहले ना एक इंस्पेक्शन करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट में प्रॉब्लम है और स्लोप इंस्टेबिलिटी देखेंगे क्यों हो रहा है, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जो है हम उत्तराखंड गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे हमारे डिपार्टमेंट में, फिर हम देखते हैं कि इस पे क्या क्या एक्शन लिया जाए, कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए। वही अगली खबर काशीपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा है, जिस पर एक बार फिर राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पर प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट से गठबंधन के ऊपर काफी ज्यादा तंज कसा है। वही अगली खबर सितारगंज से है, जहां मुहर्रम को लेकर अमन कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने सुझाव रखे। CO ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि शहर में अमन शांति के साथ मुहर्रम को निकाला जाए। वही छोटे से छोटे मुहर्रम को बनाया जाए, जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो।
साथ ही लोगों से अपील भी की कि मुहर्रम निकालने के लिए जो रूट पहले से तय किया गया है उसी रूट से मुहर्रम करबला को निकाला जाए। इस तारीख का मुहर्रम मनाया गया था, इस संबंध में आज खाना प्रधान की मीटिंग हुई थी जिसमें ताजियेदार और मौलवी साहब और सम्रान व्यक्ति अन्य धर्मों के सम्रान व्यक्तियों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, मीटिंग की गई, उनको ये बताया गया कोई नई परंपरा निकाले और जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते में जाएंगे और उसका ताजियेदार जो है हाइट कम रखेंगे जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, बिजली विभाग को बुलाया गया है। वही अगली खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है जहां सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और भाजपा ने स्थानीय विधायकों समेत सेना के पूर्वाधिकारियों और उनके परिजनों ने शिरकत की है। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस को प्रदेश भर में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाओं पर माला अर्पण कर कारगिल शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आज का दिन भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी वहाँ पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी, भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है, मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूं। वही अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है जहां 24वां कारगिल विजय शौर्य दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शौर्य दिवस पर जनपद के 3 वीर शहीदों नायक सुनील दत्त कांडपाल, राइफल मैन भगवान सिंह, नायक गोविंद सिंह के चित्रों पर मुख्य अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल, वही पुलिस उपाध्यक्ष प्रबोध सहित शहीदों के परिजनों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। सबसे पहले तो आप सबको शौर्य दिवस की बहुत बहुत मुबारक और उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया इस कारगिल ऑपरेशन को एक विजयी ऑपरेशन बनाने में, उन सब शहीदों को मेरा सत सत नमन। आज 24वीं शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पे जीआईसी रुद्रप्रयाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही अगली खबर कोटद्वार से है जहां आज नाजिमाबाद से कुछ लड़के कोटद्वार घूमने के लिए आए थे, इस दौरान एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई है। वही सीओ और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की बॉडी निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार बेस हॉस्पिटल भेज दिया है। वही कोटद्वार से सीओ वैभव सैनी का कहना है कि करीब 3 बजे हाईवे 334 खो नदीलाल पुल नहाने के लिए गए थे जिनमें कि एक व्यक्ति डूब गया था। इसमें पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बॉडी को रिकवर कर लिया है और एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जांच में ये भी पाया गया कि लड़का नजीमाबाद यूपी का रहने वाला है। नहाते वक्त उस व्यक्ति का पैर पीतल कर पानी में डूब गया। उस लड़की की उम्र 25 साल बताई जा रही है। इसमें आज हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई थी लगभग 3 बजे करीब कि एक युवक जो खो नदी में नहा रहे थे लाल पुल के पास वो डूब गए हैं। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंची तो उन्हें उनकी बॉडी को रिकवर किया है और फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा है। युवक जो भी अभी तक जांच में आया है वो युवक नजीबाबाद से आए थे, चारों के चारों युवक। ये बता रहे कि यहाँ पर नहाने के लिए आए थे तो उनमें से एक युवक का पैर फिसल गया जिसके कारण उनकी वो नदी के साथ बह गए। वही अगली खबर उत्तराखंड से है जहाँ जनपद रुद्रप्रयाग के 4 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे सचिव मुख्यमंत्री आवास वित्त विभाग उत्तराखंड सुरेंद्र नारायण पांडे ने जिला कार्यकाल सभागार में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सभी सचिव स्तरीय अधिकारियों को जनपदों में जाकर विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। वही अगली खबर झांसी से है जहां मौरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव में रहने वाली माता पिता के द्वारा अपने बेटे के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी के पास पहुंचकर उन्हें अवगत कराया गया कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनके बेटे के साथ चोरी के शक में मारपीट की गई। तो वही बेटे को शारीरिक तौर पर भी कई यातनाएं दी गई।
मामले को लेकर पीड़िता माता पिता ने बताया कि वो मऊरानीपुर कोतवाली भी गए थे, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई ना होने पर उन्होंने मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी के पास दरवाजा खटखटाया है। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले में जांच कर बेटे के साथ मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपका नाम? इंद्रपाल यादव। कहाँ के निवासी है? घाटकोटरा। क्या हुआ है? सब हमारा लड़का गाय चराने के लिए जा रहा था, तो एक गांव के बाहर बंधा है, वहाँ बैठा था, तो गांव के ही चार लोग जो दमंग लोग हैं, इन लोगों ने पकड़ के कहा साले तुम चोरी कर रहा था, अपने बाड़े में बांध के डाल लिया, इसको कुएं कुएं में लटकाए रहे और इसके साथ पेशाब की जगह पे, कट्टी की जगह पे, लोहे के सरिया में पेट्रोल का फुआ बांध के रुई का और इसके गंदी मतलब मालूम लगाया वो। वही अगली खबर झांसी से है, जहां मामला झांसी कानपुर रेल लाइन अमरोह फाटक के पास का है, जहां खेत पर जाते समय एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। शैलन कुमार, वर्तमान प्रधान अमरोह। अच्छा जी, रेलवे ट्रैक पे क्या हो गया है? जे घास काटने जा रही थी अपनी जानवरों के लिए, तो एक आंख से उनको थोड़ा कम दिखाई देता था, तो एक पटरी किनारे जा रही थी, उसकी चपेट में आ गई। किसकी गाड़ी? ट्रेन। फिर क्या हुआ? तो मृत्यु हो गई। तो आप सभी लोग आए हुए हैं, पुलिस को सूचना दी है आपने? आप पुलिस को दी है सूचना। वही अगली खबर झांसी से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल लगातार सुर्खियों के घेरे में है। अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर अपने बिल का पैसा बढ़ाने के लिए मरीज के परिजनों को पहले तो भ्रम में रखते हैं, जिसकी एवज में परिजनों से मोटी रकम वसूली जाती है, जबकि असलियत से दूर मरीज को ना तो उचित इलाज उपलब्ध कराया जाता है और ना ही परिजनों से मिलने दिया जाता है और अंत में मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे कई गंभीर आरोप से घिरे इस अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है। वही आपको बता दें कि पहले भी ये अस्पताल मीडिया की सुर्खियों को बटोरने के पीछे रहा था। बात अगर पिछले हफ्ते की करें तो केवल पिछले हफ्ते में दो बच्चे और एक मां बेटे की मौत का मामला सामने आया था, लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरों ने अस्पताल की कार्यशैली और रुख किया, तो अपनी बदनामी से बौखलाए अस्पताल संचालक मीडिया कर्मियों को ही धमकी देना शुरू कर दिया। और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो कुछ मठाधीशों के साथ मिलकर पत्रकारों का शोषण करने का भी षड्यंत्र रच डाला गया। देखिए किस तरह से एक मजदूर पिता ने अस्पताल को लेकर जिलाधिकारी को अपनी पीड़ा सुनाई है। नगर मंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद हसारी नगर से। क्या मामला? मामला ये है कि मेरे बच्चे का जो डिलीवरी हुई थी 13 तारीख को, 14 को मुझे ऑपरेशन करा के भर्ती करना पड़ा स्पर्श हॉस्पिटल में, तो इन्होंने 10 दिन तक भर्ती रखा, बच्चे को देखने नहीं दिया गया। इसलिए नहीं देखने देते थे, ये बोलते थे कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन देखने नहीं दिया 10 दिन तक। और 10वें दिन इन्होंने मुझे बच्चे को जब बिल्कुल मरने की अवस्था में आ गया, तब उसको मेडिकल रेफर करने के लिए कहा, और वहाँ डॉक्टर ने लेने से मना कर रहे थे पहले। वही अगली खबर उन्नाव से है, जहाँ धान की रोपाई करने के लिए मजदूरों को ले जा रहे थे लोडर, वो पलट गया है। वही बता दें कि एक ही लोडर पर करीब 16 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि लोडर की गति तेज होने के कारण लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया है। जी हाँ, अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर कावड़ मार्ग को अवरुद्ध करने वाले एक डीजे संचालक के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ डीजे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कांवड़ मार्ग पर मानकों के विरुद्ध बड़ा डीजे साउंड सिस्टम सहित एक ट्रक को भी सीज कर दिया गया है। डीजे संचालक के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर जाने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान रामपुर तिराहे पर न्यू बालाजी डीजे द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए एवं जो शासन द्वारा निर्धारित किए गए मानक है उससे बड़ा डीजे बनाया गया था, और इस डीजे को रास्ते में रोककर लगभग 2-2.5 घंटे तक जाम की स्थिति उत्पन्न की गई थी, जिसके संबंध में थाना छपार पर मुकदमा अपराध संख्या 161/23 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी की बेटी उन्नति झांसी का नाम देश दुनिया में बढ़ा रही है। झांसी की बेटी पुष्पेंद्र सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म में पैरेलल लीड रोल में भूमिका उन्नति पांडे नजर आई है।
यूएनके प्रोडक्शन और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म अजमेर वानवीर आगामी 21 जुलाई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। टीजर के रिलीज होते ही वीडियो ट्रेंड होने लगा है, जिसके बाद समाज की कुरीतियों को दर्शाते इस फिल्म में झांसी की उन्नति का रोल बड़ा ही अहम माना गया है। पिक्चर में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। मतलब हमने आज से कुछ 2 साल पहले शूट करना स्टार्ट किया था और उसके पहले हमारी लगभग कुछ 1 महीने की वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी, जो कि हमारे डायरेक्टर सर जो हैं पुष्पेंद्र सर, उन्होंने स्टार्ट करी थी। और ऑब्वियसली टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और इतना हार्ड है, उसको फील करना, उसको कैरेक्टर में ढालना, तो उस वजह से काफ़ी टाइम भी लगा हमें और ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था, बट ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वही अगली खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पहुंचकर ताजपूर्वी गेट मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया। बता दें कि अभी तक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किया जा रहा था, जो अब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा को पहले फेज की मेट्रो सुविधा समय से पहले मिलने जा रही है, जिसका शुभारंभ फरवरी 2024 में हो जाएगा। आगरा में शुरुआती मेट्रो ट्रेन ताजपूर्वी गेट से लेकर मनकामेश्वर मंदिर तक चलेगी। अगली खबर हरदोई से है, जहां जिले में आज 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 प्रेमी युवकों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही अचानक घटी घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। थाना बेनीगंज के अंतर्गत भवानीपुर गांव है। भवानीपुर गांव के ही एक युवक और एक युवती जो एक ही जाति के हैं, और इन्होंने अपने गांव में ही एक आम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वही अगला मामला जनपद एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां अलीगंज विधान से विधायक रहे सपा के कद्दावर नेता रामेश्वर यादव के बेटे सहित प्रबंधन समिति के 11 सदस्यों पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वही बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही रामेश्वर यादव के परिवार की तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रकेश्वर सिंह के लिखित पत्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच के आधार पर सपा नेता और उनके बेटे सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के 11 सदस्यों पर संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां जिले में आज रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से सीतापुर जिले का एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं पकड़ा गया बदमाश अतरौली इलाके में कल पकड़े गए चोर गिरोह का सदस्य था, जो कल अपने गिरोह के 4 सदस्यों के पकड़े जाने के दौरान मौके से फरार हो गया था। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीम सरगर्मी से लगी हुई थी। वही अगली खबर अहमदाबाद से है, जहां आजादी अमृत महोत्सव पर्व पर स्वतंत्र सेना सम्मान समारोह द्वारा अहमदाबाद जिला प्रशासन का सराहनीय प्रयास किया गया। कारगिल विजय दिवस पर कलेक्टर प्रवीणा डी के द्वारा 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी भवानी शंकर हरगोविंद दास पांड्या का सम्मान किया गया, जिसके बाद अहमदाबाद के 5 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को उनके आवास पर शॉल मोमेंटो दिए गए, जिसके बाद आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अहमदाबाद जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। वही अगली खबर गुजरात से है, जहां चोटीला शहर पुलिस और एसटीए प्रशासन के द्वारा प्राइवेट व्हीकल में मुसाफिरों को बिठाकर ले जाने वाले और गवर्नमेंट एसटी को मुसाफिर ना मिलने के कारण नुकसान करने वाले सभी प्राइवेट व्हीकल को जब्त कर लिया गया है। वही राजकोट डिवीजन और चोटीला पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के द्वारा प्राइवेट व्हीकलों के ऊपर हल्ला बोल दिया गया है। सुप्रसिद्ध यात्रा धाम चोटीलों में मुसाफिरों की हीराफेरी करते हुए 11 अवैध वाहनों को जब्त कर लिया गया है। सभी अवैध वाहनों के मालिकों को अलग अलग प्रकार के दंडनीय जुर्माना दिया गया है। वही अगली खबर वेस्ट बंगाल से है, जहां वेस्ट बंगाल की चाय की फैक्ट्री में और चाय किस प्रोसेस से बनाई जाती है उनका पूरा जायजा लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।